नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू, आप सबको मेरा जो यूट्यूब चैनल है माई क्लास, उसमें स्वागत है। आज दूसरा प्रोग्राम लेके आए हैं, ये प्रोग्राम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक है, आप ये कोड मैं समझाता हूँ बाद में, पहले आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। ये कोड क्या लिखा है तो समझ में आ जाएगा, आप आउटपुट देखने से थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा कि ये काम क्या कर रहा है। तो मैं पहले F9 को प्रेस करता हूँ, तो ये क्या आ गया, आपका E.0 है। ठीक है, उसके बाद मैं F10 को प्रेस किया तो यहाँ पे मांगने क्या लगा, देखिए, एंटर द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। सर मैं 2000 दे दिया प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2 साल दे दिया, और टाइम इसमें क्या होता है, ईयर के हिसाब से दिया जाता है 2 साल। तो इसमें क्या आ गया, द सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 400। ठीक है, मतलब सूद का जो होता है ना, 2000 का 10% 200 होता है, 1 साल का 200, 2 साल का कितना, 400। ठीक है, तो ये एक हो गया, तो ऐसा होता है। तो आपको समझ में आया कि ये कैसे हुआ। तो अभी देखना है कि ये मैंने कोट क्या क्या लिखा और ये कैसे हुआ। तो ये समझ में आ गया कि काम क्या कर रहा है ना। तो मैं इसको काटता हूँ, तो ये सब तो कॉमन ही है, मैं पहले वीडियो में बताया था, ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन कॉमन है। मतलब जो इसमें है ये यहाँ से, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट का मेन क्या प्रोग्राम यहाँ से इतना दूरी क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, पहले पहले आप सोचो कि आपको इनपुट क्या क्या चाहिए, मतलब कंप्यूटर हमसे क्या मांगेगा। यदि हम बोल रहे हैं, सपोज किसी को हम बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दो, तो हमसे क्या मांगेगा। ठीक, वैसे ही कंप्यूटर भी हमसे मांगेगा, मतलब हमसे इनपुट लेगा। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, एक तो P हो गया, मतलब मैंने क्या पकड़ा, एक कंटेनर पकड़ा P। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और दूसरा हमने क्या पकड़ा, R। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा हमने पकड़ा टाइम। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज कंप्यूटर को चाहिए। ये तो हो गया इनपुट। ठीक है, और SI जो है ये हो गया आउटपुट। ठीक है, तो हमने पहले क्या पकड़ा, हमने बताया था कि प्रिंट ऑफ मतलब क्या है, आपका मैसेज शो करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये अभी मैसेज शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, मैसेज क्या। तो हम देखो, हम कंपाइल मारते हैं, हमको क्या दिखा रहा है, पहला मैसेज क्या दिखा रहा है, एक मैसेज शो कर रहा है कंप्यूटर, हमको एक मैसेज शो कर रहा है, एंटर द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ये रहा मैंने जो लिखा, ये शो किया। ओके, उसके बाद क्या आ गया, मैं एंटर देते ही, मैं तो अभी दूंगा, तो देने से कौन लेके जाएगा, स्कैनफ जो है ये वाला अभी क्या लेके जाएगा, ये वैल्यू सब लेके जाएगा, क्या वैल्यू लेके जाएगा, क्या क्या वैल्यू लेके जाएगा, तीन वैल्यू लेके जाएगा, 1, 2, 3 परसेंटी लेके जाएगा। तीनों वैल्यू कहाँ लेके जाएगा, पहला वैल्यू लेके जाएगा प्रिंसिपल में, मतलब जिसको मैंने पी पकड़ा उस कंटेनर में लेके जाएगा पी में, दूसरा वैल्यू कहाँ पे लेके जाएगा, आर कंटेनर में लेके जाएगा, तीसरा वैल्यू कहाँ पे लेके जाएगा, टी कंटेनर में लेके जाएगा। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या, है ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, PRT/100, P×R×T/100। तो मैंने लिखा P×R×T, लिख दिया by 100, ये कैलकुलेशन होगा। तो अभी क्या हुआ, पहले इनपुट हुआ ना, ये रहा इनपुट हुआ, उसके बाद इतना सा क्या हो गया, इनपुट हुआ, ये इनपुट कहाँ पे स्टोर हुआ, इन तीनों में स्टोर हुआ, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आपका आ गया प्रोसेस। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, इतना सा क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद अभी ये स्टोर होगा, कहाँ पे स्टोर होगा, SI पे, कहाँ पे स्टोर होगा, SI पे। तो SI पे स्टोर हो गया, मतलब अभी क्या होगा, ये आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, द सिंपल इंटरेस्ट क्या। अभी ये प्रिंट ऑफ क्या बोल रहा था मैं, कि ये मैसेज भी शो करता है और क्या करता है, आउटपुट भी देता है, मतलब रिजल्ट भी देता है। यहाँ पे जैसे मैसेज शो किया, ये प्रिंट ऑफ यहाँ पे क्या कर रहा है, मैसेज इतना दूर है, ये मैसेज के बाद क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, मतलब रिजल्ट आउटपुट। तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा, ये जो मैंने सिंबल दे दिया परसेंटेज, वैल्यू आएगा, कहाँ से आएगा वैल्यू, SI से वैल्यू आएगा, क्योंकि ये इंटू होके डिवाइड होके इसमें वैल्यू पूरा है। जैसे फिर से दिखाते हैं,
अभी हम दे दिया 2000, है ना, 10%, ठीक है, और क्या दे देंगे, दो साल, ठीक है, दो साल दे दिया। अभी क्या हो गया, एंटर मारते ही क्या हो जाएगा, ये चला गया तीनों, अभी हम एंटर अभी प्रेस नहीं किया, एंटर प्रेस करते ही ये कैलकुलेशन होगा, एस में क्या होगा, स्टोर होगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, इसमें आ क्या जाएगा। तो देखते हैं, एंटर मारते ही क्या, ये देखो 400 आ गया, क्या हो गया, एंटर मारते ही ये तीनों क्या हो गया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर जो वैल्यू कितना आया, 400, ये 400 जाके कहाँ पे स्टोर हो गया, इस एसआई में स्टोर क्या हो गया, और बाद में क्या हो गया, मैंने जिसमें स्टोर था वहां से वैल्यू को आउटपुट कर दिया, खत्म। ये सिंपल सा प्रोग्राम, ओके, तो इतना सही है, अभी तो ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, ठीक है, तो ऐसा है, ओके, तो ये है। अभी और एक चीज दिखा देते हैं हम, ठीक है, और एक चीज जो पहला वीडियो में दिखाए नहीं थे, अभी हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या करता है, ऊपर में क्वेश्चन लिख के रखते हैं, हाँ, क्या लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन, राइट ए प्रोग्राम इन सी, हाँ, राइट ए प्रोग्राम इन सी, हाँ, टू टू डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले द सिंपल इंटरेस्ट, ओके, हो गया। अभी इसको सेव कर देते हैं, अभी इसको F10 करते हैं, क्या दिखा दिया, एरर, क्यों दिखाया, क्योंकि कंप्यूटर को तो मालूम नहीं है ना कि ये कोड नहीं है, उसको तो यही लग रहा है कि ये भी एक कोड है, लेकिन ये तो कोड नहीं, कोड तो यहाँ से शुरू है, ये कोई कोड नहीं है, लेकिन अभी कंप्यूटर इसको भी पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद देख रहा है, अरे ये क्या है, ये तो कोई कोड है नहीं, तो इसलिए उसको क्या, वो बार बार क्या दिखा रहा है, एरर शो कर रहा है। तो इसका सॉल्व क्या होगा, ये जो है ना, इसके आगे दो स्लैश दे दो, ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी एरर क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब एरर जीरो हो गया, मतलब जो ये यहाँ पे लिखा हुआ तो है, लेकिन इसमें क्या हो गया, दो स्लैश देते ही क्या हो गया, ये अभी हमने कंप्यूटर को बोल दिया कि ये पढ़ना नहीं है, मतलब अभी ये समझो कंप्यूटर इसको इग्नोर करेगा, ये पढ़ेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना स्टार्ट क्या करेगा, मतलब ये दे देना, मतलब कंप्यूटर को बोलना इसको इग्नोर करो, इस लाइन को इग्नोर करो, तो मतलब ये रह तो गया, लेकिन कंप्यूटर पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा ही जब नहीं, ये कंप्यूटर इसको ट्रांसलेट करेगा ही नहीं, वो पढ़ेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो एरर दिखाएगा नहीं, ये देखो, ठीक है, अभी देखो काम करना शुरू कर दिया, 2000, इस बार 20% दे देते हैं, तो 800 आ जाएगा, वो देखो 800 आ गया, ठीक है, तो बस यही है सिंपल इंटरेस्ट का आपका जो प्रोग्राम, तो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा हम वो इफ स्टेटमेंट के ऊपर दिखाएंगे, तो आज के लिए इतना ही बस, और ज़्यादा टाइम इसमें लगा भी नहीं, 8 मिनट, 8.5 मिनट जैसा लगा, तो चलिए आज के लिए इतना ही, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।